हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या इनके थ्रू आपको देर रात तक याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू यहाँ पर महसूस करा जा रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको यही ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हम देख रहे हैं करंट में ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्प्रिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। ब्रोकन हार्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड, करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स की, पर्सन की क्या बन रही है। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। गॉडेस ऑफ द मून एंड बॉटम की एनर्जी है, डोर टू वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ नंबर्स व्यूअर्स बता रही हूँ, जो आप से आपके पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 9, 13, 4, 24, 6, 52, 7, 31। तो ये मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दिए। एंड मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अप्रैल, जून, जुलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपसे आपके पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप मिले, इस मंथ में आप इनसे बिछड़े, इतने साल का रिश्ता था, इतने महीने या इतने साल से आप लोग अलग हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, इस उम्र के पड़ाव में आकर आप दोनों का ये रिश्ता शुरू हुआ और इसमें अंत हुआ। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर इन नंबर्स को और इन मंथ को अपने आप से जोड़कर देखना है। लेकिन आपको अपने अतीत से जोड़ने हैं ये नंबर्स। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जबरदस्ती नंबर्स इन मंथ से आपको नहीं करनी है। बात करी जाए इनकी आपके साथ के रिश्ते को लेकर एक स्टेट ऑफ माइंड की, तो देखो व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो भी हुआ बीते दिनों में या जो भी होता आ रहा है बीते दिनों से, ये पर्सन उन सभी चीजों से काफी ज्यादा हर्ट है। दिल इनका भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर दुखी भी है और टूटा हुआ भी है। भले शुरुआत इन्होंने करी हो, आपने करी हो, लेकिन आज में जो भी इन्हें दिख रहा है वो इन्हें डेफिनेटली यहाँ पर परेशान तो कर ही कर रहा है, लेकिन साथ में इन्हें ना इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए कोई पॉसिबिलिटीज भी नहीं दिखा रहा है कि ये यहाँ से कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, या कब वो पल आएगा, कब वो मोमेंट आएगा, जिस पल जिस मोमेंट में ये इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकल पाएंगे। अब यहाँ पर इनको ये पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ये जब पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो कैसे भला वो दिखेंगी? यानी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जिनको इन्होंने कंसिडर करा ही नहीं है, जैसे इन्होंने देखा ही नहीं है। जैसे कि नाक अगर यहाँ से पकड़ी जाती है तो पीछे से भी पकड़ी जा सकती है ना, लेकिन उसके लिए आपको खुद से रास्ते बनाने पड़ते हैं, खुद से आपको चीजों को ढूंढना पड़ता है, या खुद से वो पॉसिबिलिटीज आपको ढूंढनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की बात अगर मैं करूँ तो हाँ,
हो सकता है पॉसिबिलिटी अपने पेन अपने दर्द की वजह से भी इन्हें ये पॉसिबिलिटीज दिखाई ना दे रही हूँ, तो वो मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दी है। उसके अगर आपको लेकर बात करी जाए तो यहाँ पर आप इस इंसान के लिए एकदम ईद का चांद बनते जा रहे हो, या आपको एक ईद के चांद के तौर पर ये पर्सन देख रहे हैं, जिसका इन्हें बहुत बेसब्री से बहुत बेचैनी से इंतजार तो है, लेकिन वो ईद का चांद ही बनकर जैसे मानो यहाँ पर रह गया है, तो वो भी फीलिंग इनकी है। आपको लेकर इनके मन में बहुत सारे इवन डाउट्स भी हैं कि आप इनको लेकर क्या चाहते हो, इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हो, आपकी जिंदगी में अब असल मायने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये जितनी भी अजम्पशंस यहाँ पर लगा रहे हैं आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वक्त के साथ यहाँ पर गायब हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप इस इंसान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा सीक्रेट बहुत बड़ा राज बनकर इन्हें यहाँ पर फील हो रहे हो, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर अपने दर्द से मुक्त होने के लिए ये पर्सन पॉसिबिलिटीज है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को काम में ज्यादा झोंक रहे हैं, या तो ये किसी तरह की स्टडी कर रहे हैं, कोई स्टडी इन्होंने स्टार्ट कर दी है, कोई जॉब इन्होंने अब पकड़ ली है, एक्स्ट्रा वर्क ये कर रहे हैं, जैसे कि 9 to 6 ड्यूटी है तो उससे एक्स्ट्रा ओवर टाइम ये कर रहे हो, लेकिन इनकी एक मेंटलिटी यहाँ पर अपने बुरे वक्त अपनी तकलीफ को देखकर ये बनती जा रही है कि जब तक इनके पास पैसा नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू नहीं हो पाएगी, या तब तक ये अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं पाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि फाइनेंशियली वे में इनके पास कुछ इतना है भी नहीं, अगर था तो कहीं ना कहीं अपने गम की वजह से अपनी जिंदगी में पॉसिबिलिटीज ना देखने की वजह से इन्होंने काफी कुछ खो दिया है, खो बैठे हैं, गवा बैठे हैं, चाहे तो फिर इस रीजन के चलते कि ये आप पे पूरी तरह से फाइनेंशियली वे में डिपेंड थे, एक डिपेंडेंसी इनकी थी, या फिर यहाँ पर एक होता है ना कि इंसान जब परेशान रहता है तो उसका ध्यान अपने काम पर अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ पर नहीं रहता, तो या इस रीजन के चलते ओवरऑल फाइनेंशियली वे में यहाँ पर उतार चढ़ाव इस इंसान की जिंदगी में आपसे दूर होकर आपको दूर करके डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ये पर्सन अपनी वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वहां इनके वैल्यू खत्म हो गई है तो ये यहाँ ये चीजें अर्न करके अपनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ा ले, तो वो सभी चीजों को लेकर यहाँ पर प्लानिंग्स कह सकते हो, या वो सभी चीजों को लेकर एक ओवर थिंकिंग इनके मन में चल रही है। उसके लिए ये हो सकता है स्टडी भी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एफर्ट्स भी डाल रहे हो, और अगर मेरे व्यूअर्स भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए स्टडी कर रहे हैं या एफर्ट्स डाल रहे हैं तो इन्हें ये आपके बारे में भी पता चला है, जिसके चलते ये आपको कॉपी भी कर रहे हो तो भी कोई डाउट नहीं है इस चीज में, तो वो मुझे एनर्जीज इनकी यहाँ पर दिख रही है, या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका अब इस सिचुएशन के बेस पर यहाँ पर बन रहा है। मैं अब आपको टैरो से देखकर बताती हूँ इन सभी चीजों को लेकर और ये पर्सन इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ब्रोकन हार्ट को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, यहाँ पे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि। देखिएगा यहाँ पर ये चांसेस तो बनते हुए काफी ज्यादा दिख रहे हैं कि जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी से गए, या आपको जब से इस इंसान ने अपनी जिंदगी से दूर करा, जैसे मानो तब से इनसे लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, या फिर फाइनेंशियली वे में इस इंसान को काफी ज्यादा मुंह की खानी पड़ी है, और यहाँ पर इसी रीजन के चलते इस इंसान को अपने आप पर भी जैसे मानो भरोसा नहीं रहा, या अपने आप पर से इनका भरोसा यहाँ पर उठ गया है, जिसके चलते ये पर्सन पेन में है, या जिसके चलते वो पेन इन्हें फील हो रहा है जो पेन इन्होंने आपको दिया था, ठीक है।
यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज है, पेन की वजह से ही अब ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि जब जब इससे पहले इस इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो एटलीस्ट इनके पास एक कंधा था आपका, ये एक सपोर्टिव हैंड था आपका, लेकिन अब इनके पास वो भी नहीं रहा क्योंकि ये उससे ही तो दूर चले आए हैं। तो यही डर कह सकते हो, यही इनकी जिंदगी के लॉसेस कह सकते हो, इस इंसान को यहाँ पर वेट करने के लिए बोल रहे हैं या वेट करने के लिए इन्हें मजबूर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अब व्यूअर्स इमेजिनेशंस में अपने आप को ज्यादा रख रहे हैं कि ये वेट करेंगे तो डेफिनेटली इन्हें इस वेट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव वे में मिलेगा, या तो आपका प्रपोजल खुद ब खुद इनकी तरफ आ जाएगा या फिर फाइनेंशियली वे में इन्हें कोई अच्छी खबर यहाँ पर सुनने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये दोनों ही कंडीशन में एक वेटिंग मोड पर हैं, या ये कह सकते हो कि सिचुएशंस की अब डिमांड बन गई है कि ये यहाँ पर रुक कर ठहर कर इंतजार करें। और आपको भी पता है कि इंतजार करना कितना भारी काम है, जो इंसान इंतजार करता है या करता रह जाता है ना, कहीं ना कहीं उसे ही समझ में आता है कि दर्द क्या है। ठीक है, सो वही चीजें इनके साथ अब यहाँ पर हो रही है कि इन्हें अपने हिस्से जैसे इंतजार नजर आ रहा है किसी भी चीज का हो, लेकिन अल्टीमेटली वो ज्यादा यहाँ पर कारण या रीजन बन रहा है इनके पेन का। और ये पेन अल्टीमेटली व्यूअर्स इन्हें पास्ट की बातों को भी याद दिला रही है, तो आने वाले कल को लेकर चिंता भी यहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा हो रही है। तो एक झटका यहाँ पर लगना था और उस झटके के साथ इस इंसान को समझ में आ रहा है कि हाँ इन्हें कितनी बड़ी हार मिली है, और वो हार ही नहीं सिर्फ यहाँ पर उसके बदले में एज अ बोनस इन्हें अकेलापन भी मिला है। ये अकेलापन वो है जो ये किसी से सांझा नहीं कर पा रहे, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये खुद है। तो वो चीजें इनके साथ अब हो रही हैं, या वो फीलिंग कह सकते हो इनकी यहाँ पर बन रही है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका है ये क्वीन ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि है। देखो एनजाइटी लेवल तो डेफिनेटली इस पर्सन का यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता है, उसके अंदर हिम्मत लेकर आता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो पैसा नहीं रहता ना, आपको भी पता है कि इंसान किस फेज से होकर गुजरता है, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाती है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है, उसको सामने वाला वो इज्जत वो मान सम्मान देना बंद कर देता है। और आज के कलयुग में तो स्पेशली यही होता आया है, जिसके पास पैसा उसकी तो पूजा, और जिसके पास पैसा नहीं तो उससे क्या मतलब। तो वही चीजें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं जो इनको काफी ज्यादा एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही है, या फिर ये कह सकते हो रातों रातों इन्हें सोने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इन्हें इस चीज की चिंता रहती है। या यू कहो तो इनके जो पंख थे ना पैसे नाम के, वो जैसे ही यहाँ पर कट गए हैं वैसे ही ये पर्सन यहाँ पर एकदम होपलेस हेल्पलेस अपने आप को पा रहे हैं। तो या तो आपसे मिल रहा था, ठीक है, इस रीजन के चलते इतनी ज्यादा दिक्कत तो इन्हें अब फील हो रही है, या यहाँ पर इनके पास था, ये कमा रहे थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर इनसे वो पैसा छीना गया है, इनसे वो पैसा लिया गया है या उस पर कंट्रोल करा गया है, जिसके चलते भी यहाँ पर फाइनेंशियली वे में ये पर्सन इतना ज्यादा तड़प रहे हैं व्यूअर्स। और ये चीजें इन्हें इतना ज्यादा बेचैन और रेस्टलेस कर रही हैं, जिसके चलते ये सोने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, इस डर पर ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। और ये चांसेस है कि इस और यही डर ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आपकी याद दिला रहा है, एज इन कि आप होते तो शायद ही होने ना देते, आप होते तो शायद इन्हें संभाल लेते, काश आप होते। तो काफी ज्यादा इस तरह की चीजें इस इंसान के दिल में यहाँ पर चल रही हैं जो इन्हें यहाँ पर होपलेस कर रही हैं। ठीक है, काश ऐसा होता, काश ऐसा ना होता, तो वो सभी चीजें यहाँ पर हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स अब क्या बन रही हैं? स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका कैंसर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है।
देखो बेसिकली आपके पर्सन के साथ ये चीजें तो हो रही हैं कि जब सही वक्त था, जब कहीं ना कहीं इनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही थी या आपके ऑफर्स आ रहे थे, तब कहीं ना कहीं इनका जो ध्यान था ना, इनका पूरा का पूरा फोकस कहीं और था। इनको ये लगता था कि अपनी जिंदगी में हर कुछ अचीव कर सकते हैं, अपनी मेहनत अपने बलबूते पर ही अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस लेकर आ सकते हैं, मूवमेंट लेकर आ सकते हैं, बस जरूरत है तो इनके यहाँ पर डिटर्मिनेशन रखने की, उसके साथ साथ अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखने की, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करने की। और वही चीजें इस इंसान ने करी और उसी एटीट्यूड को रखकर इस इंसान ने आपके तरफ से आने वाले ऑफर्स को नेगलेक्ट करा, इग्नोर करा। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज्यादा अपने इर्द गिर्द ढूंढ रहे हैं और अब आपके पार्टनर जिन भी ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन भी पॉसिबिलिटीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटीज, वो दरवाजे इन्हें अपनी ही मुंह पर जैसे मानो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं या वो फील हो रहे हैं, जिसके चलते भी यहाँ पर देखो परेशान तो ये पर्सन है। इनको ये चीजें ज्यादा रह रहकर डिस्टर्ब कर रही हैं कि जिस कामयाबी के ये झंडे फहराना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो कामयाबी इतनी भी आसान नहीं है, या अब वो कामयाबी इन्हें नाकामयाबी का एहसास ज्यादा दिला रही है। यानी कि आपकी याद, आपके ऑफर्स को क्यों इग्नोर करा, आपको दूर क्यों करा, आपसे दूर क्यों हुए, तो ये सभी चीजें इस इंसान को अपने आसपास अगर आपकी तरफ अब भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है ना व्यूअर्स, तो उसके दरवाजे भी इन्हें बंद होते हुए ही नजर आ रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान जब नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो उसे अपने आसपास कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता, या कुछ भी पॉजिटिव हो जाएगा उस तरह से वो नहीं देख पाता या देख पाती, तो वही स्थिति अब इनकी यहाँ पर मुझे ज्यादा बनती हुई दिख रही है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग सब क्या है, स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। एस ऑफ सोर्ड्स इन द वर्ल्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिएगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, इनको मेरी राशि एंड आपका कैप्रिकॉन है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि ज्योग्राफिकली लेवल पर अब अच्छी खासी आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन इन दूरियों ने इस इंसान की जो मेंटल स्टेज थी ना उसे पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यानी कि ये जो भ्रम में रह रहे थे या भ्रम के पीछे जो भाग रहे थे, इन दूरियों ने ही इन सभी चीजों को लेकर इस इंसान को भली भांति क्लियर कर दिया है कि आपकी इनकी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस थी या आपके साथ इनके लिए कितना ज्यादा मायने रखता था, जिसे उस पल में इन्होंने एक फैसला लेकर एक नई शुरुआत करके कहीं ना कहीं समझना नहीं चाहा। तो ये सभी चीजें जितना ज्यादा इन्हें समझ में आ रही है, उतना आप इन्हें दूर नजर आ रहे हो या उतना ज्यादा आप इन्हें मिस्टीरियस या ईद का चांद जैसे कि मैंने आपको बताया वो बनते हुए इन्हें ज्यादा फील हो रहे हो। इंट्यूटिवली भी ये पर्सन ना जितना ज्यादा आप आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज्यादा आप इनके लिए राज बनकर इन्हें नजर आ रहे हो, जैसे ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सभी सवाल जैसे मानो इस इंसान के खुद से यहाँ पर हो रहे हैं, उठ रहे हैं, वो फीलिंग भी मुझे इनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा बनती हुई दिख रही है। मतलब आपको लेकर कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। एक पल तो लगता है इन्हें कि हाँ आपके साथ अभी भी एक नई शुरुआत हो सकती है, दूसरे पल लगता है आप खुद से आओगे, तो तीसरे पल लगता है कि आपकी तरफ खुद से जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको लेकर भाई इस इंसान को कंफ्यूजन्स बहुत सारे हैं। या अगर आप वापस इनकी जिंदगी में आते हो, ये आपके जिंदगी में जाते हैं, तो वैसे ही इस रिश्ते में शुरुआत हो पाएगी या नहीं, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा, प्यार, ये सब कर पाओगे या नहीं, ये सभी सवाल इनके सामने आकर बहुत स्पीड से खड़े हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस समझ में आई है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ अब सवाल भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। डोर टू वैल्यू को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही है डिवाइन। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल, यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, इनको मेरी राशि एंड आपका एक्वेरियस है। देखो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीजें रह रहकर ज्यादा पेन दे रही है कि अंत तो हुआ है
और यहाँ पर अंत केवल एक चीज का नहीं हुआ है या सिर्फ मात्र आपके साथ के रिश्ते का नहीं हुआ है, यहाँ पे जो भी अंत हुआ है वो बहुत सारी चीजों को लेकर हुआ है और उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं ये खुद ही हैं। इन्होंने इस रिश्ते में बिट्रे करा, जिसके बदले में इन्हें एज अ आउटकम, एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक फेलियर या एक हार मिली है, जिसके चलते ये नई शुरुआत के बारे में सोचते भी हैं तो भी मानो एक खौफ इनको होने लगता है कि अब ये नई शुरुआत कर भी पाएंगे या नहीं, ये रिस्क लेने की स्थिति में अब है भी या नहीं। तो अल्टीमेटली आपके पार्टनर को ये चीजें ज्यादा रह रहकर अब हार जैसा फील करा रही हैं व्यूअर्स, कि ये पूरी तरह से तो फंस कर रह गए। एक बार ब्लाइंडली भरोसा करके इस इंसान ने जैसे मानो अपनी आंखों से हाथ धो दिया हो, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर खुद को लेकर आ रही है। ठीक है, विश्वासघात करा गया है आपके साथ, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। और वही चीज है कि भाई देखो, लक्ष्मी जी भी ना उन्हीं के साथ रहती हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों का भी भला चाहते हैं, और इस इंसान ने वही नहीं करा तो वो चीजें इन्हें ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं देख रही हूँ कि आपसे कहने की क्या इच्छाएं अब इनकी है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन। इन सभी चीजों के चलते अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से, स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। तो अपनी करी हुई गलतियों को लेकर ये पर्सन माफी मांगना चाह रहे हैं अब आपसे। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू, इवन जैसे ही अपनी हालत देख रहे हैं ना, उसको सोच सोच कर, उसको देख देख कर ये हर वक्त रोते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, और उस चीज को लेकर इवन ये पर्सन आपसे ये तक कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब चीजें देखकर मैं कितना ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई विश यू वर हियर, और ये आशा करते कि काश तुम अब इस पल में मेरे साथ होते। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर कुछ याद आता है, किसी के बारे में सोचते हैं, तो वो सिर्फ मात्र आपके बारे में, ये तक ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इसी रीजन के चलते इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी या नहीं, वो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स की तरफ अब कोई खुद से एक्शंस लेंगे या नहीं। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, देखो ये पर्सन अभी तो डिफेंसिव मोड में मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपकी तरफ खुद से बढ़ना इट मींस हर वो बात को मानना है जिस बात से इन्होंने एक वक्त पे आकर इनकार करा या हर एक बात को इन्होंने इग्नोर करा। तो ये सभी चीजें इन्हें पता है कि खुद से आपकी तरफ बढ़ना इट मींस ये सभी चीजों को लेकर इन्हें मंजूरी देना है। इसी रीजन के चलते अभी मुझे आपके पर्सन की तरफ से खुद से चलकर एक ऑफर या एक एक्शन आने की पॉसिबिलिटी इतनी कुछ खास बनती हुई नहीं दिखाई दी है। ठीक है, हालांकि मैं और देख लेती हूँ फिर भी। हाँ, लेकिन इन नियर फ्यूचर यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो अपने मतलब के लिए ज्यादा आएगा। अगर जैसे मानो फाइनेंशियली वे में आप पर डिपेंड थे तो उस डिपेंडेंसी के चलते आएगा, या फिर यहाँ पर आपकी वजह से पैसा मिल रहा था, आपके लक की वजह से, आपके साथ की वजह से, या एक तरह से आप सपोर्टिव हैंड थे एंड उसी वजह से अपने काम में लग पाते थे, तो उस वजह से इनकी तरफ से आपकी तरफ एक ऑफर आए। तो ओवरऑल अपने आप को ध्यान में रखकर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ऑफर आने का या नेक्स्ट मूव आने का चांस मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हालांकि देखो चीजें फिर बाद में जाकर सही हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत इस रिश्ते की मुझे कुछ उस वे में ज्यादा दिखाई दी है। ठीक है, वक्त यहाँ पर लगेगा अभी, ये चीजें भी मैं आपसे जरूर से कहूंगी। और 9 वीक्स की मुझे ज्यादातर लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखी है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद एक योग, एक सर्कमस्टेंसेस इनके सामने आकर खड़ा होगा जिसके चलते ये आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप
कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, तो जरूर से कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, कनेक्ट कर पाए हैं और इस तरह की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय।